दांत का अध्ययन पहले किसमें किया जाता है? तो डेंटोलॉजी। यह आप याद रखिएगा कि दांत वाले विभाग में कभी भी आपके दांत से प्रॉब्लम होता है तो आप डेंटल वाले अस्पताल में जाते हैं, वहां से दांत को दिखाते हैं कि डॉक्टर देखता है, जो भी चीजें होती हैं उसमें दवा देता है आपको, ठीक है। तो उस विभाग को कहते हैं डेंटोलॉजी, यानी दांत का अध्ययन करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि दांत होता क्या है, कहां पर होता है। तो मुख गुहिका में जबड़ों के किनारों पर दांतों की पंक्तियां पाई जाती हैं। मानव में पाए जाने वाले दांत भिन्न प्रकार के होते हैं। दांत क्या होते हैं? भिन्न प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जबड़ों, यानी दोनों जबड़ों किनारे, एक ऊपर जबड़ा होता है, एक नीचे जबड़ा होता है, उसी जबड़े में दांत क्या होता है? धसा होता है। दोनों ऊपर नीचे दांत धसे होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि दांत होते कैसे हैं। तो पहला आपका लिखा हुआ है क्या है? गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब होता है थीकोडोंट। गर्त दंती थीकोडोंट, यानी गहराई में ये धसे होते हैं। गहराई में धसे होते हैं, यह दांत हड्डियों की खांच में धसे होते हैं। इस प्रकार के दांत जो होते हैं, मेढक, छिपकली, मेढक छिपकली में जो दांत प्रकार के पाए जाते हैं, किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? गर्त दंती, या इसको बोलते हैं थीकोडोंट। क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। किस प्रकार के दांत होते हैं या किस में लगाया जाता है? तो हम बात किए मेढक और छिपकलियों में कौन से दांत पाए जाते हैं? थीकोडोंट, यानी गर्त दंती, ठीक। आगे हम बात करेंगे विषम दंती। विषम दंती या हेड्रोडोंट, हेड्रोडोंट या विषम दंती अगर कहा जाए तो यह सभी चीजें जो होती हैं, हेड्रोडोंट जो होती है, मानव के एक जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाई जाती हैं। मानव के जबड़े में विषम दंती, मानव के एक जबड़े में विभिन्न विभिन्न प्रकार के दांत पाई जाती है। जो दांत क्या होता है? कृंतक। क्या लिखा हुआ है? कृंतक, रदनक, उसके बाद अग्रचवड़क, चवड़क। क्या होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवड़क, चवड़क, यह चार प्रकार के जो दांत होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो किसमें? विषम दंती। विषम दंती इसे इसीलिए कहा गया है कि जो विषम प्रकार के हो, जैसे कृंतक, रदनक, अग्रचवड़क, चवड़क। कृंतक का मतलब यहां पर लिखे हुए हैं इंसीजर, रदनक केनाइन, और अग्रचवड़क प्रीमोलर और चवड़क मोलर। यह होते हैं जो विभिन्न प्रकार के हैं। द्विबार दंती क्या होते हैं? द्विबार दंती मतलब थीपोडोंट, यानी इसका मतलब यह हुआ कि मानव के सभी दांत जीवन काल में कितने बार आते हैं? दो बार आते हैं। कितने बार आते हैं? दो बार आते हैं। दो बार आते हैं, जैसे वयस्क अवस्था पर चले जाते हैं तो टूटता है तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन हम बात किए हैं कि दो बार आने का मतलब है जब शिशु होते हैं पहले, तो उसमें दांत आते हैं तो वह गिर जाते हैं। गिरने के बाद जो दांत आते हैं वह हमेशा के लिए रहते हैं और आपके अंतिम समय तक, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि द्विबार दंती का मतलब यह हुआ कि कौन से दांत दो बार आते हैं मानव के जीवन काल में। तो अग्रचवड़क जो होता है एक बार होता है, लेकिन यह बच्चों में नहीं होता, इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे दांत के प्रकार, ठीक। दांत के प्रकार में जैसे कृंतक, इसको बोलते हैं इंसीजर। इसका क्या काम होता है? इसका काम एक ही है, यह भोजन को कुतरने या काटने के काम में आता है। जैसे गिलहरी और चूहे में कौन से दांत, पूछा जाता है एग्जाम में कि गिलहरी और चूहों में कौन से दांत एक्टिव होते हैं, कौन से दांत सक्रिय होते हैं, तो हम बताएंगे कौन से दांत? आपके इंसीजर, यानी कृंतक दांत। जो आगे के दांत होते हैं उनको बोलते हैं कृंतक, जो उनका क्या काम होता है? काटना और कुतरना, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दूसरे, रदनक यानी केनाइन। केनाइन क्या होता है? यह भोजन को चीरने और फाड़ने के काम में आता है। यह क्वेश्चन कैसे बनता है? यहां पर पूछा जाता है मांस भक्षियों में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन से दांत होते हैं, कौन से दांत सक्रिय होते हैं? तो हम बात करेंगे कौन से दांत होते हैं? रदनक। यानी आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि हाथियों में जो दांत ऐसे निकले होते हैं, जो बाहर के निकले होते हैं, कौन से दांत होते हैं? यानी रदनक होंगे, यह भोजन को चीरने और फाड़ने
के काम में आते हैं, जैसे शेर के दांत, कुत्तों बिल्लियों में ये सभी जो दांत होते हैं एक्टिव जो होते हैं वह होते हैं रदनक यानी केनाइन दांत होते हैं। केनाइन ही एक्टिव होते हैं किसमें, हाथियों में, जो कि वह पेड़ों को क्या करते हैं, फाड़ते हैं और तोड़ते हैं, ठीक है, इस तरीके का। उसके बाद अग्रचर्वणक प्रीमोलर, प्रीमोलर जो होता है यह भोजन को पीसने का काम करता है, जो पीसने का काम करता है कौन करता है, अग्रचर्वणक और चर्वणक। चर्वणक का मतलब क्या हुआ, मोलर, अग्रचर्वणक प्रीमोलर, चर्वणक मोलर, ठीक। यह दोनों दांत भोजन को पीसने के काम में आते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे कि बच्चों में दांत का सूत्र क्या होता है और वयस्कों में दांत का सूत्र क्या होता है। तो हम शिशु के लिए देखेंगे तो यहां पर लिखे हैं इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये दांत के ऊपरी वाले हिस्से को कह रहा है और दांत के निचले वाले, ये जबड़े में ऊपरी और जबड़े के निचले। तो इसमें हम दोनों में दो का इंटू कर देंगे तो ऊपर भी दो का इंटू करेंगे, नीचे भी दो का इंटू करेंगे। तो ऊपर जब इंटू करेंगे तो दांत का ऊपर का जबड़े में संख्या बताएगा, नीचे जब दो का इंटू करेंगे तो नीचे वाले जबड़े में बताएगा। तो दांत का सूत्र वयस्कों में न कह के हम किसमें कहेंगे, शिशु में। तो शिशु में दांत का सूत्र होता है 2102, क्या लिखे हैं, 2102 बटे 2102 गुणित 2। अब जैसे हम करेंगे क्या, इंसीजर, इंसीजर की संख्या ऊपरी जबड़े में कितनी होगी, 2, लेकिन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक, यानी कितना हो जाएगा, 2, और यहां पर हो जाएगा 4, और यहां पर आगे 2 का जब इसमें इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा केनाइन। अब मोलर नहीं है, मोलर, मोलर नहीं है तो यहां पर 0 लिख दिए हैं, और क्या है, प्रीमोलर नहीं है, प्रीमोलर नहीं है, मोलर 2 है, 2 की संख्या ऐसे है। तो जब हम गुणा करेंगे तो 2 1 3 3 2 5, 5 2 10, 10 ऊपर हो जाएंगे, 10 नीचे। यह बच्चों में दूध के दांतों की संख्या है, बच्चों में दूध की दांत कितनी होती हैं, तो 20 होती है, इसलिए 20 संख्या में दिखाएगा, ठीक। आगे हम कहेंगे वयस्क के लिए, वयस्क के लिए भी वही है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो वयस्कों के लिए दांत का सूत्र जो होता है 2123 बटे 2123 गुणित 2 होता है, यानी यह वयस्क में दांतों की संख्या है। जैसे ऊपर इंटू करेंगे, इसमें प्रीमोलर की संख्या होती है इसलिए 2 और 2 नीचे लिख दिया गया, ठीक। यहां पर 2 3 3 2 5 5 3 8, 8 2 16 16 2 32, यहां पर हो जाएगा नीचे 16, ऊपर हो जाएंगे 16, नीचे हो जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब इसको गुणा कैसे कर रहे हैं, तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 8 का 2 का गुणा करेंगे उसमें तो 16 ऊपर हो जाएगा, 16 नीचे, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, ठीक। यह तो हुआ दांत के सूत्र का शिशु में और वयस्कों में। अब दांत के बारे में हम बता देते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और कहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। आइए तो हम पहले बात करेंगे कि यहां पर दांत, दांतों का अध्ययन किसमें करते हैं, दांतों का अध्ययन किसमें करते हैं, अध्ययन, अध्ययन डोंटोलॉजी में, डोंटोलॉजी में करते हैं या डेंटोलॉजी में करते हैं, ऐसे आप बता सकते हैं। तो इस तरीके का आप जानिए, पहला क्वेश्चन ये आपका यहां से हुआ। दूसरा क्वेश्चन कहेंगे कि गर्तदंती, गर्तदंती यानी थीकोडोंट, थीकोडोंट दांत किसमें दिखता है, तो यहां पर मेढक और छिपकलियों में पाए जाने वाले जो दांत होते हैं, मेढक और छिपकलियों में थीकोडोंट, ठीक। तीसरा क्वेश्चन कहेगा हेड्रोडोंट प्रकार के दांत किसमें पाए जाते हैं, तो मानों में, किसमें, मानों में हेड्रोडोंट दांत किस प्रकार के दांत में आते हैं यानी किसमें पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे मानों में, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहेगा कि द्विबार दंती, द्विबार दंती जो दो बार दांत मानों के जीवन काल में आते हैं, कौन से दांत बच्चों में नहीं आते हैं,
कौन से नहीं क्वेश्चन करेगा कौन से दांत एक ही बार आता है जीवन काल में मानव के कौन से दांत एक ही बार आता है तो आप बताएंगे क्या है अग्रचर्वणक क्या बताएंगे अग्रचर्वणक एक बार आता है पूरे मानव के जीवन काल में ठीक उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कृंतक यानी इंसीजर का क्या काम होता है इंसीजर दांत जो पाए जाते हैं इसका क्या काम होता है काटने या कुतुरने का काम में आता है ठीक है छठवां क्वेश्चन क्या है रदनक इसका भी क्वेश्चन आता है कि इसका क्या काम है तो आप जानिएगा कि इंसीजर जो होंगे यानी केनाइन जो होंगे केनाइन का काम होता है चीरने और फाड़ने का काम में होता है और यहां से क्वेश्चन आता है कि जो मांस भक्षी जो जीव होते हैं जैसे शेर कुत्ता बिल्ली वगैरह बाकी हाथी के जो दांत ऐसे निकले होते हैं वह कौन से दांत होते हैं या कौन से दांत एक्टिव होते हैं सक्रिय होते हैं तो आप करेंगे क्या केनाइन दांत ठीक अब वहां पर अग्रचर्वणक के लिए कहेगा सातवां क्वेश्चन कि अग्रचर्वणक जब बच्चों में कितने दांत की संख्या होती है अग्रचर्वणक जो बच्चों में दांतों की संख्या होती है जीरो होती है बच्चों में अग्रचर्वणक दांत नहीं पाए जाते हैं अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो बच्चों में नहीं होते हैं ठीक है और यहाँ पर पूछ लेगा कि प्रीमोलर तो नहीं होते हैं लेकिन मोलर तो होंगे ना दो ऊपर हैं दो नीचे यानी कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा दो दूना चार चार आठ चार ऊपर चार नीचे हो जाएगा आठ हो जाएंगे ठीक इसी तरीके से प्रीमोलर की संख्या जीरो रखा हुआ है यानी बच्चों में जीरो होता है ठीक अब वयस्कों के लिए सूत्र पूछेगा जैसे आठवां क्वेश्चन क्या आपसे बताया आठवां क्वेश्चन दांत का सूत्र जो बच्चों में पूछेगा और जो है कि नवा क्वेश्चन आपका यहां पर वयस्कों के लिए पूछेगा और दांतों की संख्या पूछी जाती है और दांत की संख्या ऐसे पूछी जाती है दूध के दांत कितने पाए जाते हैं तो दूध के दांत कितने पाए जाते हैं 20 और यह 20 किसमें होते हैं वयस्क में नहीं बच्चों में ठीक है तो इस तरीके से हम लोग दांत के बारे में अध्ययन किए और दांत में हाँ एक क्वेश्चन और आता है कि दांत किसका बना होता है दांत किसका बना होता है दांत किसका बना होता है होता है ठीक तो आप कैल्शियम फास्फेट कहेंगे कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दांत यह भी क्वेश्चन आता है ठीक है उसके बाद पूछा जाता है कि दांत के ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहते हैं दांत के ऊपरी वाले हिस्से को डेंटिन कहते हैं डेंटिन और जो चमक पैदा करता है उसको कहते हैं एनामेल ठीक दांतों का एनामेल चमक होता है जो उत्पन्न करता है और सबसे ऊपरी हिस्सा होता है दांत का डेंटिन उसको बोलते हैं कि दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है डेंटिन और दांत का चमक वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं एनामेल दोनों एग्जाम में आते हैं जब डेंटिन नहीं रहता है तो एनामेल मारते हैं जब एनामेल नहीं रहता है तो डेंटिन मारते हैं ठीक है इस तरीके से दांत के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कोई भी अदर एग्जाम वनडे एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम होता है उसमें दांत से क्वेश्चन जरूर आते हैं कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे इतने क्वेश्चनों में से आप इसको जरूर है कि एक दो बार वीडियो देखकर क्वेश्चन को अच्छे से कलेक्ट कर लीजिए नोट्स बना लीजिए तो आपके दांत के भी अगर कभी भी आप खोल के देख रहे हैं तो दांत के सभी क्वेश्चन एकत्रित मिल जाएंगे आपको अनुभव हो जाएगा कि यहां से दांत के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन ठीक है तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है जय हिंद